तो फाइनली अब आपके हाथ में एक ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। फिर देखिए फ्रेंड्स, मतलब फोड़ दोगे यार आप एग्जाम को, इतनी बड़ी बात नहीं है। काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक फाइनल स्ट्रेटजी लेकर आइए, सिलेबस तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया, अब फाइनल में कैसे प्रिपरेशन करें ताकि एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सके। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप इस एग्जाम को 90+ स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। सुन के आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस स्ट्रेटजी को समझ गए, आपने ये स्ट्रेटजी अच्छे से अप्लाई कर ली, फिर रिजल्ट आपको जबरदस्त देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं अटैकिंग रूल। अब ये क्यों बोलते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए आज से चाहे कितना भी टाइम बचाओ, 5 दिन 15 दिन 30 दिन, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस स्ट्रेटजी को एग्जाम से 2 दिन पहले भी अप्लाई करते हो, फिर भी आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा इसके एग्जाम के अंदर। अब फ्रेंड्स, अगर आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस कवर कर लिया हो कंप्लीटली या फिर थोड़ा बहुत बचा हो, तो उसके तुरंत बाद आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिलेबस कवर करने के बाद एक बार में स्टार्टिंग से रिवीजन करूंगा, तो अभी मत करिए, वो लास्ट में करिएगा, उससे पहले इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करिए। फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी के फर्स्ट स्टेप में सबसे पहला काम आपका ये है कि कोई ब्लैंक पेपर या फिर एक नोटबुक ले लीजिए और साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज लेकर बैठ जाइए और उस कंप्लीट सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको नोट करना है। आपके पास रिटन में कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। काफी सारे लोग बोलेंगे कि हमें तो पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, किस सब्जेक्ट से, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे पता होने से काम नहीं चलेगा। आपके पास रिटन में होना चाहिए उस नोटबुक या फिर पेपर के ऊपर कि जनरल नॉलेज से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटिक्स आएगी, साइंटिफिक रिसर्च आएगा, इकोनॉमी आएगा या फिर करंट अफेयर आने वाला है, ये टॉपिक आपने प्रॉपर नोट कर लेने हैं। साथ ही ऐसे मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, जो जो टॉपिक आने वाले हैं, ऐसी आपको रीजनिंग के और साथ ही ऐसी आपको कंप्यूटर के सभी टॉपिक आपके पास रिटन में होने चाहिए। अब आपके पास कंप्लीट सिलेबस रिटन में है, अब आप कंप्लीट सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज स्कैन करिए, एनालाइज करिए, देखिए कि मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए, जो मैं 2.5-3 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। पहले जनरल नॉलेज उठाया, उसके अंदर देखिए कि आपने कोई टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स छोड़ तो नहीं दिया। अगर कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया तो उसको वहीं पर राउंड कर दीजिए। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर से कोई टॉपिक अगर रह गया उसको राउंड कर दीजिए। ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज के अंदर से अगर कोई मेन टॉपिक छूट गया है आपसे प्रिपरेशन किए बिना, या फिर आपने उसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया कि हां ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एक टॉपिक से क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं करना। अगर कुछ भी छूट गया है, सबसे पहला काम आपका यह है कि उसको दोबारा प्रिपेयर करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, 1 दिन 2 दिन, लेकिन उस टॉपिक को छोड़िएगा मत, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम आपका यही है, ठीक है। अगर आपने कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया तो दूसरा काम आपका क्या है, अब और कुछ ब्लैंक पेपर ले लीजिए या फिर नोटबुक के नेक्स्ट पेज के ऊपर जाइए। अब आपको फर्स्ट पेज के हेडर पर बड़ा बड़ा जनरल नॉलेज लिख देना है, सेकंड पेज के ऊपर मैथमेटिक्स, थर्ड पेज के ऊपर रीजनिंग और फोर्थ पेज के ऊपर कंप्यूटर नॉलेज लिख देना है। टारगेट करिए फर्स्ट पेज के ऊपर जिसके ऊपर आपने जनरल नॉलेज लिखा है, क्योंकि जनरल नॉलेज मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एग्जाम में, 50 क्वेश्चन जो आ रहे हैं। फ्रेंड्स जनरल नॉलेज लिखा तो साथ ही जनरल नॉलेज की कोई बुक उठा लीजिए जिससे आप प्रिपरेशन करते होंगे रेगुलर बेसिस पर। ल्यूसेंट का हो सकता है, अरिहंत का हो सकता है, घटना चक्र का हो सकता है, कोई भी हो, छोटी कल हो या फिर टॉपिक वाइज उसमें होना चाहिए कंप्लीट जनरल नॉलेज। आपको क्या करना है, बुक लेकर बैठ गए, साथ ही वो ब्लैंक पेपर लेकर बैठ गए और साइड में जो पहले आपने कंप्लीट सिलेबस नोट किया था उसको लेकर बैठ गए। अब आपको क्या करना है, बुक खोलिए, जनरल नॉलेज की स्टार्टिंग में जो सबसे पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, हिस्ट्री आपने खोला। हिस्ट्री में भी 3-4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडिया का इतिहास होता है, ठीक है। आपने खोला, टॉपिक को स्कैन करना शुरू कर दिया, हिस्ट्री को आपने, जीके को आपने स्कैन करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपकी आंखें, आपका माइंड है, स्कैन करिए, देखिए कि कौन कौन से टॉपिक आपने कवर कर दिए हैं। पहला टॉपिक आपका हड़प्पा सभ्यता आता है, देखिए क्या ये टॉपिक मेरा 100% क्लियर है, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाइए। सेकंड टॉपिक आपका वैदिक सभ्यता आता है, अगर इससे कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़िए। थर्ड टॉपिक शायद हमारा जैन धर्म आता है, फिर बौद्ध धर्म आता है। आपको लगा कि ये जो जैन धर्म वाला टॉपिक है ये मेरा लगभग क्लियर है, लेकिन 10% कहीं ना कहीं मुझे इसमें डाउट है, तो जैसे ही जैन धर्म पे आपको डाउट हुआ तो तुरंत जो आप ब्लैंक पेपर लेके बैठे थे जिसके ऊपर आपने जनरल नॉलेज लिखा था वहां पर नोट करिए हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास, और एक टॉपिक नोट कर लीजिए वहां पर जैन धर्म कि ये मुझे क्लियर करना है। अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको 100% श्योरिटी है कि ये मेरा 100% क्लियर है, चाहे कैसा ही क्वेश्चन बन जाए मैं इसे कर लूंगा, उसको तो जाने दीजिए, लेकिन अगर किसी भी
टॉपिक में आपको 10% भी डाउट है, 1% भी डाउट है, उसको तुरंत नोट कर लीजिए, ये आपको प्रिपेयर करना है दोबारा से अच्छे से। फिर आप आगे बढ़ गए, हिस्ट्री में आगे बढ़े, साथ ही आप मध्यकालीन भारत के इतिहास में बढ़े, आपने देखा अरबों का आक्रमण हो गया, मुझे पता है इसके समझ जाता हूं मैं, साथ ही हमारा गुलाम वंश आ गया, खिलजी वंश आ गया, मुगल साम्राज्य आ गया, आपको लग कि मुगल साम्राज्य मेरा क्लियर नहीं है, तो आपने वहीं पर नोट कर लिया मुगल साम्राज्य क्लियर नहीं है, इसके अंदर हुमायूं के बारे में मुझे पढ़ना है, तो ऐसे आपको करते हुए चलना है। साथ ही ज्योग्राफी आपने क्लियर कर लिया, ऐसे नोट कर लिए, साथ ही आपने पॉलिटी भी कर ली, इकोनॉमी भी कर ली, बात की जो आपके सब्जेक्ट है, ऐसे आपको मैथमेटिक्स करना है, मैथमेटिक्स वाला ब्लैंक पेपर लिया जिसके ऊपर आपने मैथ्स लिखा था, साथ ही टॉपिक लेने स्टार्ट कर दिए, सबसे पहले परसेंटेज नोट करिए, परसेंटेज उसको स्कैन करिए, जिस बुक से आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ दिया, फिर जो आपने नोट्स वगैरह बनाए उनको उठाइए, देखिए कि परसेंटेज जो प्रतिशत टॉपिक है इसके अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के टाइप, मैथ्स के अंदर तो क्वेश्चंस के टाइप होंगे, जीके कंप्यूटर के अंदर तो आप डायरेक्ट टॉपिक का नाम लिख दोगे, लेकिन वहां पर आप टॉपिक का नाम नहीं लिख सकते, कंप्लीट परसेंटेज तो आपने लिख दिया लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं क्वेश्चन के, तो स्कैन करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इजी है जिनको मैं कर लेता हूं और कौन कौन से क्वेश्चन के ऐसे टाइप है जिनमें मैं उलझ सकता हूं, 100% श्योर नहीं हूं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत नोट करिए कि इस टाइप का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं उलझ जाता हूं, मुझसे ये सोल्व नहीं होता, ठीक है। फिर आगे बढ़े, एवरेज पे चले गए, औसत पे चले गए, आपको कोई क्वेश्चन दिखा कि हाँ ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मुझे फंसा सकता है, तो तुरंत नोट कर लिया कि ये टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसे आपको ऐसे रीजनिंग में करना है, ऐसे ही कंप्यूटर में करना है, कंप्यूटर में जो जो टॉपिक आपका 100% क्लियर नहीं है वो आपने लिख लिया। तो फ्रेंड्स अब आपके पास चार ब्लैंक पेपर थे, उन चार ब्लैंक पेपर के ऊपर सभी वो टॉपिक हैं जो कि आपको अच्छे से कवर करने, जिनके अंदर आपका डाउट है और जो बाकी आपने नोट नहीं किए वो आपका सबका कवर है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह है, जो आपके पास टॉपिक है अगर आप उनको क्लियर कर लो तो जो 100% सिलेबस होता है वो आपका कवर हो जाएगा। तो फाइनली अब आपके हाथ में एक ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स इन टॉपिक के बाद कुछ बचता ही नहीं है, ये टॉपिक हो गए तो 100% सिलेबस कवर हो गया, 100% श्योरिटी के साथ, आप कुछ भी रॉन्ग कर ही नहीं सकते, हो गया ना। तो ये काम आपको करना है, चीजों को स्कैन करिए, निकालिए जो टॉपिक रह गए हैं और जितना भी टाइम आपके पास बचा है कोशिश करिए कवर करने की। ये नहीं होता कि आपने 2 महीने से सिलेबस कवर कर लिया फिर आप रिवीजन करने लग गए, जो चीजें आपको ऑलरेडी आती है फिर से आप उन्हें पढ़े जा रहे हो और जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है उनको आप इग्नोर करते हुए चल रहे हो। फ्रेंड्स कुछ भी छोड़ना नहीं, अगर आपको ये लगता है कि यार ये टॉपिक 1-2 मार्क्स का मुश्किल आएगा, आएगा भी या फिर नहीं आएगा क्या श्योरिटी है, ऐसा मत करिए फ्रेंड्स, कुछ भी टॉपिक हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना भी टफ टॉपिक हो, उसको क्लियर करते हुए चलिए, कुछ भी छोड़ना नहीं, वीडियो देखिए, बुक से सॉल्यूशन निकालिए, किसी से पूछिए, कुछ भी करिए, लेकिन हर एक टॉपिक माइनर से माइनर, छोटे से छोटा टॉपिक आपको कवर करना है, घुस जाइए हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के अंदर और खींच के निकालिए कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, फिर देखिए रिजल्ट क्या जबरदस्त देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारी स्ट्रेटजी का स्टेप फर्स्ट, बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। देखिए फ्रेंड्स दूसरा काम आपका क्या है, सभी लोगों को पता है लास्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2017 में हुआ था, 16 में वैकेंसी निकली थी, तो अब आपका काम यह है कुछ भी करिए, गूगल करिए, कहीं से भी किसी भी स्टेशनरी स्टोर पर जाइए, आपको सभी 2017 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो परचेज करके लाने हैं। आपको तो पता ही होगा ऑलरेडी, आपको जबरदस्त स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिल्ली पुलिस के एनालाइज करने हैं, कितना भी टाइम लग जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, आपको हर एक 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 क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स ऐसा करने से आपको एक जबरदस्त रेफरेंस मिलेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से मोस्टली कौन से टॉपिक को ज्यादा फोकस किया गया है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और एनालाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप रिवीजन करोगे या फिर कुछ भी पढ़ोगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो जो आपकी स्टडी है प्रिपरेशन वो ऑटोमेटिकली उसी वे पे चलने लग जाएगी, आपका माइंड उस चीज को ट्रिगर करने लग जाएगा कि मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम किस तरीके का आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस बेसिस से पूछे जाते हैं, आपका माइंड ऑटोमेटिकली आइडिया लगाने लग जाएगा और प्रिपरेशन आपकी ऑटोमेटिकली उसी तरफ से ली जाएगी, यानी कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली बेटर प्रिपरेशन करने लग जाएगा जिस तरीके की प्रिपरेशन आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। तो ये सबसे जरूरी है कि 2017 के एक एक क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज कर दो,
अभी कर दो और स्टार्ट कर दीजिए ये काम फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर चुके हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तीसरा काम फ्रेंड्स, आपको अपने एग्जाम से पहले जितने ज्यादा हो सके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉक पेपर सोल्व करने हैं फ्रेंड्स। ये फाइनल स्ट्रेटजी है, आपको स्टार्टिंग में ये काम नहीं करना था, अपने सिलेबस कवर कर लिया है, फाइनल में ये काम करना है। जितना टाइम बचा हुआ है आपको ये करना है, डेली कम से कम दो मॉक पेपर सोल्व करने लग जाइए। एक मॉक पेपर उठाया, 100 क्वेश्चन है, मोबाइल में टाइमर लगाइए 90 मिनट का और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने लग जाइए। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती है, प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करिए। सोल्व करने के बाद उसको चेक करिए, देखिए कि मैंने इसमें क्या क्या गलती की है, नोट डाउन कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मैंने गलती किया या फिर ये क्वेश्चन मैंने गलती किया। फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए और फिर अपनी प्रिपरेशन को उसी तरफ लेके जाइए जहां पर गलती किया है, पहले उसी टॉपिक को क्लियर करिए, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं कहां कहां पर गलती कर रहा हूं, मेरे वीक पॉइंट क्या है, आपको वो पता चल जाएंगे। फिर आप बताइए, जब आप अपने वीक पॉइंट्स को पहचान लोगे, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, फिर आप कैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर नहीं करोगे, 100% करोगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा बिलीव है। तो फ्रेंड्स ये 3 काम कर दीजिए आप, फिर देखिए जबरदस्त स्कोर के साथ ना आपने एग्जाम को क्रैक किया तो मेरा नाम भी सोनू अहलावत नहीं। फ्रेंड्स ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, इसका ब्लूप्रिंट बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लगने दीजिए 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा, पूरा दिन जितना भी लगता है टाइम दीजिए, लेकिन आपको चीजों को ऐसे स्कैन करना पड़ेगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, मतलब फोड़ दोगे यार आप एग्जाम को, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।